नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी कडागर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज़। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। कभी डॉक्टरों की गुंडागर्दी देखी जाती है तो कभी सुरक्षा में लगे गार्डों की। आज भी मरीज के परिजनों पर गार्डों के द्वारा मारपीट की घटना की अंजाम दिया गया। पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के बेनीबीघा गाँव के रहने वाले अपने मरीज से मिलने आए परिजनों के साथ गार्डों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों की माने तो परिजन खाना लेकर मरीज के पास जा रहे थे। गार्ड ने जाने से रोक दिया। परिजनों को गार्ड ने कहा एक पास से एक ही लोग जाएंगे। जब परिजन ने कहा मरीज के पास मुझे खाना लेकर जाना है, बावजूद इसके गार्ड ने जाने से रोका और मरीज के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की माने तो गार्ड उन्हें जाने से रोक ही रहा था, लेकिन मारपीट भी किया। परिजनों की लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटा, जिससे एक परिजन की सर भी फूट गया है और दूसरे की पीठ पर लाठी डंडे से प्रहार भी किया है। पुलिस प्रशासन की सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई खबर करने तक नहीं किया गया है। हवाला दिया गया है कि FIR दर्ज करे तभी कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि इन गार्डों को इजाजत कौन देता है मारपीट करने की। इनके सामने सर मोबाइल छीना है, अब पर्स छीना है, मोबाइल पर्स सब छीन लिया सर। जो कि आम आदमी है सर, इन लोग सर यहाँ गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। आम आदमी देखा सर मोबाइल पर्स निकालते हुए। अच्छा ऊपर यहाँ सर देखिए सर, ये पूरा सर गहरा है सर, इतना सर फटा हुआ सर, इतना फटा हुआ है। बताइए कहाँ से आप लोग आए, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग सर यही सर आए सर विक्रम पाली से सर। कहाँ भैया? अरे बोलिए कि यहाँ लड़का को गार्ड लोग मार के सलाम कर दिया, कोई पुलिस नहीं आया सर, समझे? लेडीज के साथ है डंडा नहीं, पीएमसीएच वाला गार्ड सर, पूरा दूसरा इनका पार पूरा फटा हुआ है, इनको पूरा तरह से मारे हैं। देखिए कितना मारे हैं, देखिए सब मारा है, वो गार्ड मारा है सर। ऐसा कौन चैन छीन लिया है, पर्स या वहाँ पे था मोबाइल, गाड़ी नहीं हटाने दिया, पर्स छीन लिया। हाँ चैन छीना है, पर्स छीना है, मोबाइल भी कौन लेडीज है, पर्स छीना था दूसरा कोई, कौन लेडीज था जो दूसरा कोई अभी बोला कि चैन छीना है? कौन अभी सामने छीना था ना सबके सामने? क्या हम मोबाइल बंद करें? नहीं हम बंद करेंगे। बोले कि हमको जाने दीजिए मिलने के लिए, अकेले तो उसके बाद बोलता गेट पास, तो सर अकेले है सर, आम आदमी सर खाना लेके आएगा सर, इनके पास गेट पास कैसे रहे सर? एक ही का नहीं है, सब मिलता है, अंदर एंट्री नहीं होने देता है। थाना में गया ना तो बोला कि जाइए वहाँ पर जाइए, पहले अपना छोड़े, बाद में काम करेंगे। इलाज तो करवाया लेकिन थाना में गया आवेदन देने के लिए, इस अंग में फिलहाल इतना ही। अगले अंग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।